बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। ये क्लास फिस्तुम, सब्जेक्ट उर्दू, सबक नंबर 3, लेक्चर नंबर 4। सबक का नाम है दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ये बेटा हम दर्द दुख सफा नंबर 24 और 25 पर सवाल नंबर 7-8 हम करवाएंगे आज। जी बेटा, हमदर्द बुक पेज नंबर 24 खोलें। हम उस पे क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदही टिक और क्रॉस की सूरत में लगाएं। अलिफ, अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, ये बेटा दुरुस्त है, लिहाजा हम दुरुस्त पर टिक लगा देंगे। बे, दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता लिखा हुआ है, हालांकि कर सकता है, लिहाजा ये फिक्रा गलत है, हम गलत पर टिक का निशान लगा देंगे। जीम, जमीन वालों से मेहरबानी करने वाले पर अल्लाह ताला क्यामत के दिन मेहरबान होगा, जी ये बात दुरुस्त है। जो दुनिया पर लोगों पर मेहरबान होगा, अल्लाह ताला उस पर मेहरबान होगा, लिहाजा दुरुस्त। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक के बदले में 7 देगा, ये बात गलत है, हम गलत पे निशान लगाएंगे। फतह मक्का के मौका पर अंसार की जानब से महाजर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद की नज़ीर नहीं मिलना मुश्किल है। नज़ीर का मतलब होता है मिसाल, यानी मिसाल मिलना मुश्किल है, गलत। अब है जी सवाल नंबर 8, सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ये बेटा बुक में मैंने की हुई है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अलिफ, हमारी तारीख आदाब माशरत के मुख्तलिफ पहलुओं की रोशन मिसालों से भरी हुई है, किससे? रोशन से। बे, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा भाइयों की जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह दी, क्या लिखना है? तरजीह। जीम, हजरत सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सखावत की बेमिसल तारीफ रकम की, किसकी रकम की? सखावत की। मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखने वाले खलूस नीयत से इसका इजहार भी करते हैं, क्या लिखना है आपने? इजहार। हे, दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखने वाला मुआशरा इस जंजीर की मानद होता है जिसकी कड़ियां बाहम मरबूत होती हैं। मीम रे बेवा बो तोए साकन तोए माकूफ, मरबूत होती हैं। सवाल नंबर 9, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यक के बाद दीगरे दो बेटियां हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आईं, इसी वजह से आपको ज़ुन्नुरैन यानी दो नूरों वाला कहा जाता है।